सो अगर हम बात करें न्यूरो रिहैबिलिटेशंस की, तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि आजकल की गलत लाइफ स्टाइल की वजह से और कहीं ना कहीं एज रिलेटेड बीमारियों की वजह से उनको स्ट्रोक्स हैमरेज या फॉलीज बहुत ही कॉमन है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रसित हैं। तो आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशंस फिजियोथेरेपी सर्विसेज जो न्यूरो रिहैबिलिटेशंस है उसमें प्रॉपर हम आपको एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करते हैं उसमें, ताकि डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट हो सके, आपका जो मोटर डेवलपमेंट्स है वो हो सके, कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेस से आप प्रॉपर चीज़ों को कर सकें, ईजिली कर सकें और दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल को अटेन कर सकें। वहीं अगर ऑर्थो की बात करें तो कई ऑर्थो रिहैबिलिटेशंस में टीकेआर टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप दोबारा जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो सकें और वॉकिंग आप बहुत से जल्द अपनी जल्दी स्टार्ट कर सकें। फ्रैक्चर्स, कई सारे फ्रैक्चर्स के पोस्ट सर्जिकल फ्रैक्चर्स के बाद क्या होता है कि फिजियोथेरेपी सर्विसेज की आवश्यकता होती है, जिसमें कि पेशेंट्स का जो फंक्शनल मोबिलिटी होती है वो बहुत जल्दी अटेन करता है और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में वापस फिर से आ सकता है और अपने कामों को फिर से कर सकता है। कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशंस में बेसिकली कई ऐसे पेशेंट होते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्सट्रेक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज़ एंड ओपन हार्ट सर्जरी, या फिर ऐसे कई सी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं जो पल्मोनरी से या सांस संबंधित बीमारियों से होते हैं। तो उसमें फिजियोथेरेपी सर्विसेज आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पोस्चरल ड्रेनेज और कई सी मैनुअल टेक्निक्स होती हैं वाइब्रेशन, पर्कशन, शेकिंग। तो कहीं ना कहीं हम आपकी वाइटल कैपेसिटी और लंग कैपेसिटी को हम इम्प्रूव करते हैं, ताकि आपका सैचुरेशन इम्प्रूव हो सके, आपके ब्रीदिंग पैटर्न इम्प्रूव हो सके और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अटेन कर सकें। एंड इन प्री एंड पोस्ट नेटल रिहैबिलिटेशंस, आजकल गाइनी में भी फिजियोथेरेपी सर्विसेज ने बहुत तरक्की की हुई है कि आफ्टर सीजेरियन सेक्शन आफ्टर 20 to 48 आवर्स महिलाओं को बहुत जल्दी वॉकिंग भी कराया जाता है, ताकि उनकी जो लोअर लिंब की स्ट्रेंथ है वो भी अच्छे से बनी रहे और प्रॉपर वो वॉकिंग कर सकें और जल्द से जल्द वो घर को अपने जा सकें।